तैयारियां हैं, उन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं वो पब्लिक तक पहुंचानी है। जैसे कि पहले ही मीटिंग में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की उन्होंने बड़ी घोषणा की है, हर परिवार में हर महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। हमें ये सारी घोषणाएँ जन जन तक पब्लिक तक पहुँचानी है कि हमारी सरकार आने पर हम क्या क्या कार्य करेंगे, और हमारे जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं सब में जोश भरना। हम इसी उद्देश्य से जिले में आए हैं और यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसकी समीक्षा करेंगे। आपके मेहमान यहाँ आए हुए हैं, इनका अधिक से अधिक लोगों को बीच ले जाकर इनका प्रयोग करिए। प्रभारी बाहर से आए हैं तो ये बाहर का संदेश और पार्टी का संदेश कार्यकर्ताओं और क्षेत्र में पहुँचाएंगे और यहाँ से भी अच्छी अपेक्षा लेकर जाने का भी किया। मैं जहाँ पर मेरी आवश्यकता हो दूर संगठन को मैं उनके लिए पूरा सहयोग नहीं, हम किसी की तर्ज पर यूपी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे अखिलेश जी ने जो यहाँ की जनता की मांग थी, जो जन की आवाज़ रही है वहाँ तक, उस पर यहाँ, क्योंकि कोरोना के 2 साल के लॉकडाउन और उसके बाद आम जन त्रस्त हो चुका है। सारे धंधे व्यापार, छोटे व्यापारी परेशान हो चुके हैं। उनके लिए ये एक संजीवनी बूटी है कि जो उनके घर का बिजली का बिल है 300 यूनिट का, मतलब है लगभग 2000 से 2100 में समझता हूँ बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए। इसमें कोई दिल्ली के तर्ज पर या उस पर ही कॉपी कर चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं। जो जन की आवाज़ थी उसको अखिलेश जी ने अपनी घोषणा के लिए जी फ्री बिजली नहीं दे रहे। आप ये समझिए जो 2 साल में पब्लिक परेशान हुई है उसमें मदद कर रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे। ये आपका ही पैसा है, हम लोग कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये पब्लिक का पैसा है, इससे पब्लिक के लिए घोषणा की जा रही है। नमस्कार, मैं देवराज सिंह हूँ, आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। सपा यूथ ब्रिगेड की कार्यकारिणी हुई घोषित। सपा के मनोनीत किए गए विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड की जिला कार्यकारिणी घोषित कर सपा ने दिखाया दम। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज़। समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शशांक सक्सेना ने कहा 2022 में सपा ही होगी विजय। समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के संगठन विस्तार एवं समीक्षा कार्यक्रम के प्रभारी शिवा यादव, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड ने लोहिया भूमि पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद पार्टी कार्यालय आवास विकास प्रभारी शिवा यादव और समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, जिला महासचिव मनदीप यादव का यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शशांक सक्सेना व उनकी कार्यकारिणी ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद जिला कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के मनोनयन पत्र भी वितरित किए। यूथ ब्रिगेड की जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष आशुतोष तिवारी, विजय अनुरागी, अजय पाल यादव, नसीम खान, जिला महासचिव भानु प्रताप सिंह, जिला कोषाध्यक्ष सौरभ गुप्ता, जिला सचिव आशीष पाल, धर्मेंद्र पाल, निसार अंसारी, गोपाल, आकाश कुमार वाल्मीकि, धर्मेंद्र राठौर, अरविंद कठेरिया, साहिल कठेरिया, दामोदर जाटव, आदिल खान, विशाल साक, मोहसिन खान, राजवीर सिंह, शिवम यादव, कार्यकारी सदस्य राहुल गुप्ता, हर्षित राजा रायजादा, निशांत उदेसिया, राहुल यादव, राहुल भास्कर, देवेश शर्मा, विजय सिंह, विवेक प्रजापति, लकी वर्मा, शिवम सक्सेना विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी कायमगंज से सुधांशु पांडे, अमृतपुर से धीरज यादव, भोजपुर से मनोज कनौजिया, ब्लॉक अध्यक्ष कमालगंज से अनुज पाल, मोहम्मदाबाद से कमलेश यादव, शमशाबाद से अवनीश यादव, कायमगंज में सचिन राजपूत, नवाबगंज से इजहार आलम खां, राजेपुर से राजीव साहब को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी ने संगठन का विस्तार करते हुए जिला सचिव मतीन खान की निष्ठा व लगन कार्यकुशलता को देखते हुए उनको पदोन्नति करते हुए जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ विश्व प्रकाश चतुर्वेदी को जिला सचिव बनाया गया। इस प्रकार इस अवसर पर जिला महासचिव मनदीप यादव, कार्यक्रम प्रभारी शिवा यादव, जिला कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, जिला सचिव सादिक अली, युवा जनसभा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव, सलोबा जिलाध्यक्ष अनुराग यादव, नागेंद्र यादव, अभय यादव, अंशुल यादव, जीत गंगवार, आकाश यादव, प्रिंस छात्र नेता आनंद यादव, लायक यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। हम फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त देवराज सिंह, जय हिंद।